हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है, मैंने चूरा की नमकीन बनाई, मतलब पोहा की। तो मैंने इनको भूंज लिया था तेल में डाल के। मैंने ये रेसिपी कई बार शेयर की है, नमकीन की जैसे लगती है, अच्छी लगती है, इनको ज़्यादा पसंद है। तो जब भी पोहा आता है तो मैं बनाती रहती हूँ। टमाटर को प्याज को कोई भूंजा नहीं है, ऊपर से ही डाला है। बस उनको चूरे को ही अच्छे से मैंने भूंज लिया, मतलब करारे से हो जाएं और चिड़चिड़े नहीं रहें और एकदम से हाथ में जैसे नमकीन हो जाती वैसे हो जाएं। मैंने अभी आपको हाथ में करके दिखाया भी था। और यहाँ पे मैंने नमकीन ऐड कर दिए, थोड़े से अमचूर डाल देंगे और चाट मसाला डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे। मिर्ची नहीं डालनी है क्योंकि मिर्ची नमकीन में थी। बस बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है। और जब टमाटर प्याज काटते तब तक ही हमारे पोहे अच्छे से भुन जाते हैं। ये देखिए, जो भी डालना बन गया है, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। वैसे इनके लिए मैंने कॉफ़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो आप लोग चाहें तो ट्राई करिएगा। और कच्चे ये डालें, धोके नहीं डालें। मुझे कई बार कमेंट आता है ये धोके वो गीले डाले हैं या कच्चे डाले, सूखे वाले डाले हैं, धोएंगे तो वो इतनी जल्दी से करारे नहीं होंगे। ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। नहाना हो गया था, सारा काम हो गया है। ये जैसे अभी कॉफ़ी वगैरह बनाया, सुबह का खाना पीना बनाया, तो सुबह बस मैंने थोड़ी सी आलू की भुजिया बना ली थी और मेरी सब्जी रखी हुई थी और रोटियां सेक ली थी। और देखिए गैस का हाल, फटाफट से इसको साफ़ करके, क्योंकि ना अब ना नहा के ही रोटी मैं सेकती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है काम। फिर बच्चों को लाना ले जाना, काम सब हो गया। मतलब आपको पता है फिर खाना बनाने के बाद गैस वगैरह गंदी हो ही जाती है। तो अच्छे से साफ़ क्लीन करके, कितनी भी मैं खाना बनाने से पहले कर लूँ पर खाना बनाने के बाद मैं एकदम से क्लीन करके बाहर जाऊँ ना, वापस आके मुझे रसोई और घर दिखे तो मन वो हो जाता है कि हाँ साफ़ है। खाना बन गया है, बर्तन धुल गए हैं, एक दो बर्तन है मतलब गैस के चूल्हे वगैरह, उनको धोना है। बस थोड़ा सा साबुन लगा के वो कर दिया, क्योंकि साबुन नहीं लगा तो चिपचिपे रहते हैं। साबुन लगा के पोंछ दिया है अच्छे से और ये एक दो बर्तन धो लूँगी, बस सारा काम मेरा हो गया है। और खाना पीना सब काम करके कहीं जाओ ना तो मन में तसल्ली भी रहती है, हाँ घर पर जाके तो कोई काम करना नहीं है। और आपको सीटी की आवाज़ आ रही होगी, तो कचरे वाले भैया आए हैं कचरा लेने के लिए। देखिए मेरी रसोई अच्छे से साफ़ हो गई है और कपड़े को धो के और सुखा देती हूँ। ये बर्तन सेट करने पर अभी इनमें पानी है तो इनको अभी नहीं, थोड़ी सी रुक के साफ़ जमाऊँगी। और ये देखिए हो गया ना, चूल्हे वगैरह साफ़ करने, उनका भी पानी झड़ जाएगा तब हटाते हैं। चलिए ये मेरा रसोई साफ़ हो गई, इसकी लाइट बंद करके और सारे मतलब बर्तन तो यहीं पे छोड़ दिए हैं। बच्चों को खाना दे दिया, बच्चे खाना खा लिए हैं, बस मैं रह गई हूँ। मैं अपना तैयार वैयार होके उसके बाद खा लूँगी। ये लोग खा लेते तो मेरा पेट वैसे भी भर जाता। हाथ वगैरह धो लिए हैं, कपड़ा इसके चूल्हे के ऊपर सुखा दूँगी, अच्छे से सूख जाएगा। सूखता नहीं है ना तो गीला गीला चिपचिपा रहता है, तो इस वजह से सारा काम हो गया है। तो अब चलते हैं, सोच रही हूँ सामान लिया हम जाके, क्योंकि फिर कल इतने टाइम बाहर रुकेंगे तो बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो इस वजह से। और फिर कल क्या क्या कर लूँगी, तो कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ और बच्चे ही रह जाएंगे पास में ही तो है, पर अकेले नहीं हो पाएगा। तो चलिए रेडी होते हैं। बच्चे खाना पीना जो भी सुबह का होता है वो सारा हो गया है। और मौसम आज ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, पर बारिश जैसा मौसम हो रखा है, मतलब ऐसे लग रहा है कब बारिश हो जाए। मैंने कपड़े भिगो रखे हैं धोने के लिए, सोच रही थोड़ी सी धूप निकले तब मतलब धोऊं। तो चलिए तैयार होती, नहाना हो गया, बस छोटी वोटी बनानी, जल्दी नहा लेती क्योंकि फिर ना काम लेट हो जाता है, इस वजह से फिर बाकी का काम मैंने बाद में किया है। चलिए तो थोड़ी सी शक्ल सही कर लेते हैं, शक्ल के चोटी बनानी है, बिंदी मेरी लगी हुई है और बाल बनाने हैं। चोटी जल्दी से बिगड़ती नहीं है ना, जूड़ा बिगड़ता है। तो चलिए आप लोग भी चलिए देखते, जितना वीडियो हो पाएगा उतना बना लूँगी। बाहर ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ कि कुछ कोई कहे या कुछ बोल दे फिर बुरा लगता है, तो इस वजह से जितना बनेगा उतना बनाने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों को पता है बहुत टाइम से आप लोग जुड़े हो, एक बार कमेंट भी आया तो आप लोगों ने बोला प्रीति बाहर वीडियो नहीं बनाती, मुझे शर्म आती है। फिर कम कैमरा लेके, ये तो बिल्कुल भी कैमरा नहीं लेते, इनको तो बहुत शर्म आती है इस काम से, ये बिल्कुल भी नहीं बनाते। जो मैं बनाऊंगी बैक कैमरे से बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई नहीं। हाँ मेरी बंसू होती है वो बना देती है।
और फिर ना जहाँ मुझे थोड़ा लगता है कि भीड़ भाड़ है क्या कोई इतना गौर नहीं करेगा तो चोरी छुपे बना लेती, नहीं तो मैं नहीं बनाती। मुझे थोड़ा डर लगता है कोई कैमरे में आना चाहे कोई नहीं आना चाहे बोल दे तो फिर थोड़ा सा बेइज्जती महसूस हो, तो इस वजह से मैं ये सब नहीं करती हूँ। तो चलिए बातें बहुत सारी हो गई, तैयार हो जाते हैं। मेहंदी सोच रही हूँ लगाने की, पर ना और ना ये मैंने लिपस्टिक का लगाया मेहरून लाल आ गया है, वो मेहंदी लगाने की सोच रही हूँ पर ठंडा मौसम हो गया है तो इस वजह से कब लगाऊँ कब नहीं लगाऊँ पता नहीं चल रहा, पर मेहंदी तो लगाऊँगी। चलिए तैयार होते चलते हैं मार्केट, आप लोग भी जाइए और कमेंट जरूर करिए किसने आज शॉपिंग की क्या क्या खरीदा है। देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ बस चोटी बनाने के लिए, और हम कहीं जाएँ हमसे पहले बच्चों को होती है जाने की। सोना कह रही थी ये मैं लगा लूँ, अंशिका कह रही थी ये मैं लगा लूँ, और मैं ढूंढ के सारी चीज़ें मतलब बिछिया लेके जा रही थी, मेरे पास पुराने पड़े थे वो चेंज करके बिछिया बनवाने थे तो मैंने यहाँ पर रखे थे, यहाँ से गायब हो गए। फिर देखा तो वो अपनी उंगलियों में पहन रखी थी, और देखो वो अलग ढूँढ रही हैं सामान, वो अलग ढूँढ रही हैं, मतलब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ तो वो भी बोल रही मेरे भी लगाओ। ये होता है बच्चियों के घर में, पर ठीक है रुला दो रो जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने बोला ठीक है लगाओ, दुपट्टा ले लिया है तो फिर चलिए। दो जोड़ी थे, दो जोड़ी में ना एक जोड़ी मिल गए, एक जोड़ी का एक नहीं मिला, पड़े रहेंगे इधर क्या मतलब है, फिर एक साथ थोड़े अच्छे से रेट में चले जाएंगे, एक दो करके करेंगे तो कोई भी नहीं। पुराने हैं घिसे हुए हैं जो मतलब पहन रखी थी, जो आप लोगों को याद दिला दूँ, फाइनली वो नहीं मिले। और देखिए सोना जो जो मैंने लगाया वो ढूंढ रही है, तो मैं उनको बोल रही मत छेड़ो रहने दो। तो बस यहाँ पे जाने की तैयारी इनके साथ जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ना पैदल नहीं जाया जा रहा, कीचड़ हो रखा है, कीचड़ में निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गाड़ी से गए थे सभी लोग, मार्केट हो आए हैं, बस मेरा ही रह गया था। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा कीचड़ हो रखा है, पास वाले अंकल ने ना साइड से मिट्टी उठा के यहाँ पे डाल दी है। ये मिट्टी तो आपको पता है बह जाएगी बारूद एक बार ना बहे, पर चिकनी मिट्टी पानी के साथ बहती है। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी आ जाइए बाजार, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रखा है बहुत। मैंने बोला चलो, बोल रहे थे खुद से चल जाओ खुद से चल जाओ, मैंने बोला चल चलो अकेले मन नहीं करता है जाने का, और गाड़ी से चल जाओ आ जाओ तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने ज़्यादा मैंने बिछिए लिए, वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे और फिर इतना वो नहीं था और मुझे अच्छा भी नहीं लगा। यहाँ पे मैंने बैक कैमरे से थोड़ी सी बना ली है, एक लिपस्टिक ली और बिछिया लिया, सोच रही थी ये जाएंगे पूरा बहुत सारा, ऐसे लग रहा था जा रहे पूरा बाजार खरीदवा देंगे, पर नहीं मैंने ये रानी कलर की एक लिपस्टिक ली है, बिछिया लिए, बस दो चीज़ों के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं ली है। देखिए कितनी ज़्यादा, फिर थोड़ी से आगे बढ़े देखिए कितना ज़्यादा पानी भर रखा था, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा था। बस ये भगवान से प्रार्थना है करवा चौथ वाले दिन बारिश ना, पिछली बार की करवा चौथ आप लोगों को याद है ना, चंद्रमा ने कितना हम लोगों को सताया था, बहुत लेट निकला था बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता मौसम ख़राब था उस टाइम भी, बारिश हो रही थी रिमझिम रिमझिम। ये देखिए यहाँ की मार्केट इस तरह की है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, आप लोगों को बता दूँ 5-10 मिनट का ही रास्ता है। तो बस हमने ये लिया और हम निकल लिए, ये देखिए कुछ भी लो यहाँ मिल जाता है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ दुकानें बंद थी क्योंकि जल्दी गए थे ना हम लोग, तो इस वजह से सब कुछ यहीं मिल जाता है, दूर वगैरह भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए हम लोग बातें करते जा रहे हैं, अब घर पे चल के खाना बनाने की तैयारी करते हैं। ऐसे नहीं आते ही मैं खाना बनाने लग गई, नहीं थोड़ी बहुत देर बस बैठी बाहर, बैठी सिलाई उलाई की, थोड़ा बहुत बच्चे को साथ उनको पढ़ाया लिखाया, फिर उसके बाद ये शाम का खाना बना रही हूँ 7-7:30 बजे। यहाँ पे अच्छा मेन्यू रेसिपी बना रही हूँ, मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, चावल बचे हुए थे और चावल में थोड़ी सी मैदा मिलाई है, कन्फर्म बोलते क्या मैं तो भूल जाती हूँ, थोड़ी सी मैदा मिलाई है और इसको और पनीर मैंने घर पर ही बनाया था दूध को फाड़ के, चावल को पनीर को और मैदे को एक में चावल में मिक्स करके इनको पीस ले रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को समझा पा रही होंगी, और इतना पनीर मैंने बचाया और इन्हें अच्छे से पीस लेती हूँ, और लहसुन प्याज अदरक मैंने छील के रखा है क्योंकि जल्दी हो जाए, फिर इनको बनाओ फिर लहसुन प्याज छीलने जाओ कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए सब कुछ रेडी कर लिया। इसको मिक्सी में पीस के मैं दिखाती हूँ, ये देखिए तीन चीज़ें पीसी हैं मैंने, चावल इसमें मैदा डाला है, पनीर डाला है
और अब थोड़े से काजू, ये पैकेट लेके आई थी मैंने, शाही पनीर बनाया था ना तब दिखा रही हूँ। अच्छा मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों को बता दे रही हूँ, मैं यहाँ पे हम लोग शाकाहारी है, हम लोग अंडे ये सब नहीं खाते हैं, पर तब भी आप लोगों का अंडा खाने का मन करे बिना अंडे की आप अंडे वाली ग्रेवी अंडा कड़ी बना सकते हो। कैसे आप लोगों ने देखा है, अंडे बना रही हूँ मैं पनीर चावल वाले, चावल और पनीर और मैदा मैंने मिक्स करके मिक्सी में पीस लिया था और लास्ट में ये काजू पीस लिए। पेस्ट इस तरीके का तैयार हुआ है और उसी में जिसमें मैंने ये चावल मैदा पनीर पीसा था उसी में लहसुन प्याज अदरक पीस ले रही हूँ। देखिए कि इतना गाढ़ा किया है मैंने, आप लोग सब चीज़ में बारीकी से समझा पा रही हूँ। जो पनीर मैंने आधा तो पीस लिया था आटा, वो क्या कहते हैं मैदा चावल पनीर पीस लिया था, आधा थोड़ा सा बचाया था ये ऊपर का उससे बनाऊंगी, ये अंदर जो अंडे के अंदर पीला पीला भरा होता है ना वो इस वाले पनीर से बनाऊंगी क्योंकि पीला होता है, तो पनीर में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली है। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, आप पता नहीं कर पाओगे अंडे हैं कि ये चावल के बने हुए हैं, चावल ज़्यादा है पनीर तो आपने देखा कितना है। तो इस तरीके की इतनी पतला मैंने ये रखा है, हाथ में चिपकेगा पानी की सहायता से इसे बनाना है। देखिए पनीर को मैंने इस तरीके से अंदर भरा है और ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, फटेगा नहीं, और अंडा जिस तरीके का होता है उस तरीके के अंडे के शेप में बना लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, आप लोग पहले एक बता दे रही हूँ, आप लोग वीडियो देखे बिना कमेंट कर दो आप तो अंडे खाते ही नहीं हो, आप तो शाकाहारी, तो ये अंडे नहीं है चावल के बना रही हूँ, चावल पनीर के। ये देखिए मैंने आपको दो तीन भर के दिखा दिए, पानी लगा लगा के इसको आप बनाएंगे तो बन जाएगा। ये तीसरा बना के दिखा रही हूँ इस तरीके से, ये देखिए तीन चीज़ें मैंने ये वाला पेस्ट बनाया था जिसके अंदर भर रही हूँ, चावल मैदा और पनीर को पीस लिया था और इसके अंदर भर रही हूँ वो पनीर में हल्दी डाल के इसके अंदर भर रही हूँ। तेल मेरा गरम हो गया था तो ये जो मैंने पनीर के गोले बनाए थे चावल के भर के ये कढ़ाई में डाल दे रही हूँ दो दो तीन तीन करके, और गीले हाथ से थोड़ा उनको और चिकना कर दे रही हूँ। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना, हल्की हल्की गैस पर इनको पकाई, और ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होते जैसे अंडे होते हैं सॉफ्ट, और वैसे वैसे ही ये बनेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊँगी, और ना ये जल्दी से ऐसे के कचली लग जाएगी तो ये फूट जाएंगे नहीं। देखिए सारे सिक गए हैं, साइड से रखे सेम अंडे के जैसे लग रहे हैं ना। जीरा डाल दिया, जीरा चटक गया, हींग डाली, हींग तो मैं सभी सब्जी में डालती ही हूँ। ये देखिए मैंने मसाला लहसुन प्याज अदरक ये सब पीसा था ना मिक्सी में, उसी में मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी मिर्ची धनिया जो भी मसाले डालते हैं वो, और इसको पकने देंगे थोड़ी देर। पकने के बाद इसमें डालेंगे दही, दही से ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। टमाटर नहीं डाले हैं, टमाटर नहीं मैंने डाले इसमें, और हरी मिर्ची डाल दी है, और इसको अच्छे देखिए तेल कितने अच्छे से इसमें छोड़ दिया है देखिए, और ये दही डाल दिया है। अगर है दही तो डाल दीजिए, नहीं है दही तो कोई बात नहीं है, आप टमाटर डाल लीजिए, पर मुझे दही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ऐसी रेसिपी मैं आए दिन लाती रहती हूँ जब मुझे अच्छी लगती है, बजट हो जाता है क्योंकि सब चीज़ वो करनी पड़ती है। देखिए मैं हाथ से दिखा रही हूँ ना, एकदम अंडे जैसे फूलते हैं पिचकते वैसे हो रहे हैं, तो अंडे इस ग्रेवी में डाल दिए। और हाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी, हम लोग मसाले तेज़ खाते, तेल सब तेज़ खाते, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप ऐसे मत कहिए ये इतना डाला ये इतना, हमें इन चीज़ों की आदत है, हम खाते हैं तो हम डालते हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, नमक डाल दिया, लास्ट में गरम मसाला डाल दिया, हरी वाली मेथी है नहीं मेरे पास ना, धनिया है तो उसको मैंने छोड़ दिया है, जो है उसी से बना रही हूँ। देखिए सेम अंडे के जैसे लग रही है ना, तो न्यू रेसिपी है, अच्छा लगता है ना, रोज़ रोज़ वही सब्ज़ी कुछ नया बनाओ तो अच्छा लगता है। सब्ज़ी बन गई है, इसको थोड़ी देर ढक देते हैं, ढकने के बाद देखिए इसको फोड़ के दिखाती हूँ, चम्मच उसमें आ नहीं रही है, फंस गया है देखिए, ये देखिए कोई पहचान नहीं कर पाएगा ये अंडे हैं या चावल पनीर से बने हुए। अब अंडे के अंदर पीला पीला निकलता है, सेम वैसा निकला है ना,
देखिए, और ना हार्ड है। अभी इनका स्वाद कैसा, हमें तो बेहद पसंद आया। आप लोग बनाइए, कुछ भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, घर में जो चीज़ें उनसे ही बनके रेडी हो जाती है। अब स्वाद आपको चखना है तो आप लोग बनाइए और मुझे कमेंट करिए। और देखिए मैं चावल के साथ खा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और लोगों को भी पता चले। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।